हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सेवन्थ। जिमी जेट एंड हिज टीवी सेट। जिमी जेट एक बच्चे का नाम है एंड उसका टीवी का सेट, ठीक है। मतलब जिमी जेट और उसका टीवी सेट, ठीक है। देखो, ज़्यादातर बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि हम टीवी की तरह ही बन जाए तो जिमी जेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं क्या हुआ जिमी जेट के साथ। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, हु इन योर क्लास वॉचेस टीवी द मोस्ट। ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा तुम्हारी कक्षा में कौन ज़्यादा टीवी देखता है। फाइंड आउट, आपको खोज के बताना है। तो कक्षाएँ तो लग नहीं रही है, ठीक है, फिर भी आप गैस कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन ज़्यादा टीवी देखता है। वैसे ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ काम की जो काम की चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही हम टीवी पर हमें देखना चाहिए। न्यूज़ देखना चाहिए, कुछ सीखने की चीज़ें देखनी चाहिए, इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। चलो चलिए शुरू करते हैं। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ जिमी जेट एंड यू नो वॉट आई टेल यू इज़ ट्रू। He loved to watch his TV set almost as much as you. चले देखिए इसका मीनिंग। I'll मतलब होता है I will होता है, ठीक है। I will tell you the story of Jimmy Jet. मैं तुम्हें बताऊँगा। क्या बताऊँगा? Tell मतलब होता है बताना। You the story of Jimmy Jet. Story मतलब कहानी। किसकी कहानी? Jimmy Jet की कहानी बताऊँगा। And और you know what? और तुम जानते हो क्या? I tell you is true. जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम true है, सही है। He loved to watch his TV set. उसे बहुत ही प्यार है टीवी देखने से, ठीक है, मतलब बहुत ही प्यारा है उसे टीवी देखना। Almost लगभग as much as you, ठीक है, as much as you, जैसे कि तुम्हें पसंद है वैसे ही जिमी जेट को भी पसंद है, ठीक है। He watch all day, he watch all night till he grew pale and lean from the early show to the late late show. And all the show between, ठीक है, he watched all day, मतलब बोल रहा है कि वो पूरा दिन टीवी देखता है। He watch all night, वो पूरी रात टीवी देखता है। Till he grew, जब तक कि वो बढ़ करके pale and lean, ठीक है, pale मतलब होता है पीलापन हो जाना, आँखों में क्या हो जाना, पीलापन हो जाना, इसको बोलते हैं pale। और lean मतलब होता है कमज़ोर, जब तक कि वो उसकी आँखें जो है आँखों में पीलापन और वो कमज़ोर ना हो जाए तब तक वो टीवी देखता है। From the early show, तुरंत तुरंत वाला कार्यक्रम। From the late late show मतलब देरी के भी कार्यक्रम, मतलब सुबह के कार्यक्रम और बात के भी कार्यक्रम, सब कार्यक्रम देखता है वो। And all the show between, और पूरे कार्यक्रमों के बीच में, ठीक है, show मतलब होता है कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, पूरे कार्यक्रम के बीच में पूरे show देखता है वो, ठीक है। He watched till his eyes were frozen white, ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है कि ही वॉच्ड टिल हिज आइज वेयर फ्रोजन वाइट। वो तब तक टीवी देखता है जब तक कि उसकी आंखें जो है वेयर फ्रोजन, फ्रोजन मतलब होता है जम जाए, जम करके चौड़ी हो जाती, तब तक वो टीवी देखता है। देखो उसकी आंखें कुछ इस तरह से हो गई हैं टीवी की तरह। एंड हीज बॉटम ग्रेव इन टू हिज चेयर, और जो उसके नितंब हैं, ठीक है, बॉटम मतलब निचले का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा को बॉटम बोलते हैं। ग्रेव इन टू हिज चेयर, जब तक कि वो हिस्सा जो किसनी बदल जाती है, चेयर में बदल जाती है, कुर्सी में बदल जाती है, तब तक वो टीवी देखता है। एंड हिज चीन, और चीन उसकी जो थोड़ी है, चीन मतलब होता है थोड़ी, देखो थोड़ी है, ठीक है, टर्नड इन टू अ ट्यूनिंग डायल, वो बदल कर किस में हो जाती है, ट्यूनिंग डायल। ट्यूनिंग डायल मतलब देखो घुमाने, चैनल को चेंज करने का, पहले का टीवी में आता था गोल गोल बटन, अब नहीं आता, उस तरह से हो जाता है ट्यूनिंग डायल, मतलब ट्यूनिंग डायल ही होता है। एंड एंटीना ग्रेव आउट ऑफ हिज हेयर एंड हिज ब्रांस टर्न इन टू टीवी ट्यूब्स। अब ये बता रहा है कि एन एंटीना ग्रेव आउट ऑफ हिज हेयर, और जहाँ पर उसके बाल थे वहाँ पर क्या निकल आया है, एंटीना निकल आया है। एंटीना मतलब होता है संकेतक, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये एंटीना निकल आया है, ठीक है। एंड हीज ब्रेन टर्नड इन टू टीवी ट्यूब्स, और जो पुराने ज़माने का जो टीवी होता था उसके पीछे में जो ऐसा टीवी निक टाइप का निकला रहता था ना, उसी तरह क्या हो गया है उसका जो दिमाग है वो कैसे हो गया है, एक टीवी ट्यूब के रूप में चेंज हो गया है ये टीवी ट्यूब के रूप में। टीवी ट्यूब मतलब होता है टीवी में जो नलिका लगी रहती है पीछे की ओर, जो चित्र दिखाने का काम करता है उसे ही टीवी ट्यूब कहते हैं। तो वो कुछ उस तरह से चेंज हो गया है, बदल गया है, देखो। एंड हीज फेस,
और उसका जो चेहरा है टू अ टीवी स्क्रीन, उसका चेहरा है किसके रूप में हो गया है, एक टीवी के स्क्रीन के जैसे हो गया है। एंड टू नॉब्स सेइंग वर्ड्स एंड हॉरीज, ठीक है, और दो बटन भी आ गए हैं। देखो नॉब्स मतलब होते हैं बटन, जिसको वर्ड और हॉरीज बोलते हैं। देखो कहाँ पर है बटन, ये दो बटन आ गए, देखो पहला और ये दूसरा, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ड्स और इसको बोलते हैं हॉरीज, ठीक है। ग्रेव वेयर हिज ईयर्स एंड बीन, वहाँ पर उग आए हैं, बढ़ गए हैं, जहाँ पर क्या था, ईयर्स था, कान था। एंड ही ग्रेव अ प्लग दैट लुकड लाइक अ टेल, और उसके एक जो प्लग होता है वो कैसे दिखाई दे रहा है, लुकड लाइक अ टेल, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये उसकी पूंछ जैसे निकल आई है, वो प्लग है, ठीक है। सो वी प्लग्ड इन लिटिल जिम, तो हम क्या करें, सो इसलिए वी प्लग्ड, हमें इसे प्लग कर देते हैं इस लिटिल जिम को, छोटे से जिम को। एंड नाउ इंस्टीड ऑफ ही वॉचिंग टीवी, और हम टीवी देखने की बजाय, इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, हम टीवी देखने के बजाय अब किसको देखेंगे, वी ऑल सीट अराउंड एंड वॉच हिम, हम जीवी जो सीट अराउंड मतलब उसके चारों ओर बैठ जाएंगे, किसके चारों ओर बैठ जाएंगे, इस जिम के चारों ओर बैठ जाएंगे और इसी ही देखेंगे, क्योंकि ये इतना टीवी देखता है कि खुद क्या हो गया है, खुद टीवी जैसे हो गया, देखो दिख रहा होगा आपको, इतना टीवी देखता है ये कि खुद क्या हो गया है, खुद टीवी की तरह हो गया है, एंटीना निकल गया है, कान आ गए हैं, ये देखो। तो आप लोग भी ज़्यादा टीवी देखोगे तो आप भी टीवी की तरह ही हो जाओगे, ठीक है। इसके राइटर हैं सेल सिल्वरस्टीन, ठीक है।